अक्सर मैं ऐसी सभाओं में कुछ राजस्थान से संबंधित चित्र दिखाता हूँ पानी के बारे में, लेकिन उसके बाद विजय जी ने कुछ और परीक्षा लेने के लिए शुरू में तो कहा कि कुछ और बोलिया, तो मैंने कुछ और चीज़ें तय की। वो जो चित्र दिखाता हूँ वो भी बड़े व्यवस्थित नहीं होते, आज उससे भी ज़्यादा व्यवस्था आपके सामने रखूँगा मैं। शुरुआत में पहला चित्र देखेंगे, फिर शायद हम प्रभात से कहेंगे कि इसको बंद करके लाइट आइट जला दो, कुछ और बातचीत करेंगे 15-20 मिनट आधा घंटा, फिर इन चित्रों को दोबारा देखेंगे। आपके सामने ये जो चित्र है ये हमारे रेगिस्तान का जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, देश का, जैसलमेर, उसका एक कहीं का एक टुकड़ा है। इसमें आपको विशाल रेगिस्तान फैला मिलेगा। अंग्रेजी में रेगिस्तान के लिए जो शब्द है वो डेजर्ट है, वो नाउन भी है और एक वर्ब भी है। वर्ब जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। उसमें भाव ये आता है कि ये बड़ा उजाड़ इलाका है, छोड़ दिया गया इलाका है, डेजर्टेड। उसके बीच में एक छोटा सा रास्ता भी आपको दिख रहा है। आज पानी के मामले में हमारा समाज सचमुच डेजर्टेड जैसी स्थिति में भी है और डेजर्ट भी है। सब जगह पानी की कमी है, उसमें कोई रास्ता दिखता है कि नहीं? एक रास्ता बहुत प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, यही रास्ता हो ऐसा जरूरी नहीं। आप सब लोग जहां जहां हैं वहां ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की जा सकती है। अभी जब हम लोग यहाँ आने से पहले चाय वगैरह पी रहे थे तो अवेस ने मुझे अपने एक मित्र से मिलाया, नवेद आजम। कहाँ पर है नवेद सर? खड़े हो जाए एक बार, अच्छा रहेगा, सब लोग देख लेंगे। नवेद जी ने अपने परिचय में कहा कि ये फिरोजाबाद से हैं और वहाँ पानी खत्म हो गया है। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, आपका सिर्फ परिचय। फिरोजाबाद कितनी आबादी का शहर होगा अंदाजा? कितनी आबादी? 1 लाख। 1 लाख की आबादी के शहर का नीचे का पानी हमने सब खुटा दिया, खर्च कर दिया। उनका वो ननिहाल है और पिता का घर भिंड। भिंड में पानी कितने नीचे होगा? पर वहां का पानी भी करीब 1000 साल से संकट में है। वो जो इरोजन हुआ है जिससे चंबल के बीहड़ बने हैं वो सब पानी का खेल न समझने के कारण हुए हैं, ऐसा लोग बताते हैं। और अब वो दिल्ली में है। दिल्ली के पानी की क्या स्थिति है सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सारे अखबार इस समय में या तो किसकी सरकार बनेगी और कौन अगला प्रधानमंत्री होगा उसमें लगे, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिल्ली के पानी की खबरें भी लगातार मिल रही हैं, उनसे टकराते हुए। द्वारका के लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जल बोर्ड उनसे कह रहा है कि भाई हम तुमको नहीं दे पाएंगे पानी। तो ऐसी स्थिति में जो नीचे और यहाँ भी लगा है वाटर फिलॉसफी, ये बड़ा कठिन शब्द है। लोगों को जल दर्शन नहीं चाहिए, पानी चाहिए। दर्शन का वो कुछ नहीं करेंगे, अब उनको पानी चाहिए और कल नहीं आज चाहिए। लेकिन हम उनको जिस ढंग से पानी देते चले जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई खोट होगी, इसलिए उनको नहीं मिल रहा। तो ये हम लोगों को अगले आधे पौन घंटे में थोड़ा अव्यवस्थित भले ही मैं बोलूं तो आप लोग अपने मन में उसके ठीक से पर्चे जमा लेना, उसका क्रम बना लेना, तो कुछ ना कुछ बहस आगे बढ़ाने लायक बातें आपको मिल सकेंगी। आज ही एक खबर है कि जो भी नई सरकार आएगी वो नदी मंत्रालय भी बना सकती है या बनाएगी, यही कह दिया गया है। आप लोगों ने पढ़ी होगी। नाला मंत्रालय क्यों नहीं? समस्या किसकी है? नदी से ज्यादा नाले की है। दिल्ली में एक नदी है यमुना, उसका नाम है, हमने उसका सब पानी निकाल लिया और उसमें 17 नाले मिलाए हैं। तो एक नदी का मंत्रालय बनाने के बदले 17 नालों का मंत्रालय शायद ज्यादा व्यवहारिक हो।
दिल्ली में पानी कम पड़ा तो हम जिसको हिंदी में मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना, वो उल्टी गंगा बहा के हम गंगा का पानी भी दिल्ली लाए। भूगोल ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। भूगोल बनता है किसी जगह का देश नाम तो बाद में आता है, भारत या भारत माता तो बहुत बाद में आता है। भूगोल बने ये तो बगल में जैन भाई बैठे हैं, ये बताएंगे, हिमालय से लेके सब चीजों के इतने बड़े जानकार हैं कि कुछ करोड़ साल लगते हैं उस भूगोल को बनने। तो इन नदियों को जब प्रकृति ने बहाया तो उसमें दिल्ली नहीं था, गंगा के हिस्से में उसका जलागम क्षेत्र रहा होगा कि यमुना को वो समेटे की बात है, लेकिन बहुत बार इलाहाबाद उसका इंतजार करना पड़ता है। तो हम गंगा भी लाए, फिर हम टिहरी से भागीरथी भी लाए, और अभी हिमाचल से हम रेणुका भी लाने वाले हैं। तो ये हमारे पानी के विकास की परिभाषा है कि किस शहर को कितने दूर से पानी मिलता है, वो डेवलपमेंट की एक परिभाषा हो गई। आप आधुनिक हैं तो आपके पास अपना पानी नहीं है, ये हमारी फिलॉसफी का हिस्सा बन गया है, जो कि अनीति है। ये जल नीति भी नहीं है, ये जल की अनीति है कि आपका जो पानी है वो आप भूल जाए और हम आपको कहीं और से लाके पानी दे देंगे। तो मैं थोड़ा सा इस पर बताना चाहता हूं कि ये जो फिरोजाबाद से नैवेद्य ने शुरू किया कि उनका पानी गया, वो पानी क्यों गया होगा? 1 लाख लोग कितना पानी पी लेंगे, कितनी इंडस्ट्री होगी फिरोजाबाद में? कोई टाटा स्टील प्लांट तो नहीं है, चूड़ियों का कारखाना है, कांच गर्म होता होगा, उसको ठंडे पानी में डुबोना होगा, कितना गढ़ा चाहिए उसके लिए। लेकिन हमने अपनी खर्च और आमदनी में बिल्कुल व्यवस्था तोड़ दी। फिरोजाबाद में पानी भी कम नहीं गिरता होगा, कितने इंच गिरता है एक अंदाज? वैसे 40 इंच से कम तो नहीं गिरता होगा। दिल्ली कितना है? 35। दिल्ली 35 है ना सर? अब हम इंच वाले जमाने के हैं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर नहीं मानते। तो फिरोजाबाद उससे कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। छोटी आबादी, छोटा उद्योग, लेकिन हम पानी नहीं बचा रहे। तो इसमें से अगर हमको देखना है तो एक दिल्ली का उदाहरण आपके सामने आ सकता है कि 1911 में जब इसको राजधानी बनाने की बातचीत हुई तो यहाँ पर कई तरह के आंकड़े चलते हैं, लेकिन कम से कम 800 तालाब थे 100 साल पहले। हमें उनको एक एक करके मिटाना पड़ा होगा। अभी दिल्ली में कितने बचे हैं? कोई दिल्ली वाले होंगे तो अच्छे से बता सकेंगे, 5 या 7 बड़े तालाब बचे होंगे, कहने लायक बड़े भी नहीं होंगे। हौज शमशी है, हौज खास तो अब मोहल्ला है, तालाब नहीं है, और 2-4 होंगे कहीं इधर उधर। वो तो बावड़ी है तालाब के बाद, बावड़ी तो अभी छोड़ सकते हैं अपन। ये जो 2-4 तालाब बचे हैं, इनमें अपने 2-4 नए आने वाले नेता और 2-4 पुराने नेता, जिनके अभी तक फोटो छपे और कल से नहीं छपने वाले, उनको भी बुलाकर अपन उद्घाटन के बदले कोई और शब्द ढूंढ सकते हैं। उद्घाटन यानी खोलना, लेकिन पुराने का शब्द भी कोई ढूंढ लेंगे आप सब लोग कि इनको भरने का काम कर दो, सोने की या चांदी की तगाड़ी लेकर, और मिट्टी खोद के इनमें डाल दो, इनकी हमको अब जरूरत नहीं बची। हमारा पीने का पानी 300 किलोमीटर दूर से आता, हमको एक भी तालाब नहीं चाहिए। और दिल्ली में हर जगह जमीन का दाम इतना ज्यादा है कि तालाब रख के करो क्या। तो हमारी फिलॉसफी अगर ये है कि हमको अपने तालाब नहीं चाहिए, फिरोजाबाद के तालाब भी नष्ट हुए होंगे, आपके इलाके में भी कुछ तालाब रहे होंगे। उन तालाबों का एक बड़ा काम ये था, हमारे मन में तालाब यानी कोई पिछड़ी चीज है कि ये कोई पुराने जमाने की बकवास है जिसको आज नहीं चाहिए, और पानी हमारा कहीं और से आ जाएगा। तो उसके कारण हमने इन सबको जमीन की कीमत के तराजू पे तोल के नष्ट किया है। स्वागत योग्य काम है, मैं तो कह रहा हूँ, नए और पुराने नेता कल सरकार बनने के बाद दिल्ली के 4 बचे हुए वो भी खत्म करके देंगे, और दिल्ली को पानी तो देंगे ही, अभी द्वारका को भी मिल ही जाएगा। और वैसे भी ये जो झगड़ा है ये 2-3 महीने चलता है, फिर थोड़ा पानी आने गिर जाता है, फिर बाढ़ आने लगती है। उसी शहर में जो पानी के लिए कल एक एक बूंद तड़प रहा हो
और छोटी अदालत से लेके बड़ी अदालत तक के चक्कर काट रहा हूँ, वो फिर भागता है कि हमारी टीटीसी की बस डूब गई विंटो रोड के नीचे, और वो कौन सा पुल है, तिलक पुल के नीचे। 1970-80 के चित्र भी आपको मिल जाएंगे डीटीसी की बस के डूबे हुए, उसमें खिड़कियां नहीं दिखती तिलक ब्रिज के नीचे, और पिछले साल का चित्र भी दिख जाएगा, उसमें बस का रंग बदल गया, हरे रंग की नई लो फ्लोर बस हो गई लेकिन डूबी हो गई। तो एक तरफ हमें पानी का भयंकर संकट भोगना पड़ता है, दूसरी तरफ ये होता है। इससे कौन सी फिलॉसफी, कौन सा दर्शन, कौन सी नीति हमको बचा सकती है, उसकी तलाश हमको, वो जो छोटा रास्ता आपको रेगिस्तान में दिखता है वैसे रास्ते से ढूंढ कर हमें करना पड़ेगा। उसी में दिल्ली बचेगा, उसी में फिरोजाबाद बचेगा, उसी में अभी मैंने देखा कि शिराज आ गए हैं तो जब आपका बुंदेलखंड बचेगा, ये सब चीजें उसी में से बच सकती हैं। पर क्या वो रास्ता हम लोग लेना पसंद करेंगे? शायद मैंने पहले भी एक आध बार कहा है, कुछ मित्र लोग होंगे तो वो जानते होंगे, बड़े शहरों को सरकार अपनी नाक का प्रश्न मान के पानी कहीं ना कहीं से जुटाएगी। बंबई को एक भी तालाब नहीं चाहिए, लेकिन बंबई को एक बहुत बड़ा तालाब चाहिए अपने से दूर। बंबई में एक स्क्वायर फुट जमीन की क्या कीमत होगी मुझे अंदाज नहीं, लेकिन शायद सबसे महंगा होगा इस समय जमीन का रेट, सबसे महंगा 40-50 हजार एक स्क्वायर फुट के लिए, 50 हजार। अब ऐसे में आप तालाब बचा के करोगे क्या? एक तालाब में कितने स्क्वायर फुट मिल जाएंगे? कई हजार। तो बिल्डर हैं, मुख्यमंत्री हैं, लैंड डेवलपमेंट मंत्रालय है, इस सबको उसमें मजा आता है उस तालाब को भरने में। तो उसके भरने से एक तो आपका जो ग्राउंड वाटर है वो पुरना बंद हो जाता है, रिचार्ज होना बंद हो जाने वाला है। और फिर अगली बार आप साउथ एक्स में एक बोरवेल लगाएंगे 5 करोड़ का घर खरीद के, तो बोरवेल जवाब दे जाएगा, आपको जल बोर्ड का ही पानी चाहिए उसके बाद। और जब पानी गिरेगा साउथ एक्स में या बंबई में, 1 घंटे पानी गिरेगा तो आपकी कार उसमें तैरती नजर आएगी। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है, दुनिया के किसी भी बड़े विकास वाले शहर का नमूना देखिए। अब लंदन की बाढ़ के चित्र छपते हैं साल में 2 बार, अमेरिका की बाढ़ के चित्र छपते हैं। इसको ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ना हो तो जरूर स्वागत है, जोड़ लीजिए, कुछ तो जुड़ता भी होगा, लेकिन ये हमारे अपनी वार्मिंग भी है। हमने अपनी नीतियों को नष्ट किया है, पानी की प्रकृति को बिना समझे जो हमने पिछले 50-100 साल में काम किया है। थाईलैंड में एक बाढ़ आई तो 6 महीने उसका पानी खिसक के गया ही नहीं, डूबा ही पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। उसमें जो मैं कह रहा था कि एक चीज हम लोगों को कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले समझ में आई, इंद्र का एक बहुत पुराना नाम है, कभी आपने सुना भी होगा, उनके जो भगवानों के कई विशेषण चलते हैं उनमें से एक विशेषण है पुरंदर। पुरंदर मेरे ख्याल से बंगला में भी चलता होगा शब्द, मराठी में खूब चलता है, और एक तहसील का नाम भी पुरंदर तहसील है पूना के पास। तो ये ऐसे रखा गया नाम नहीं होगा, भगवान का पर्यायवाची नाम है इसलिए। और पुरंदर का शाब्दिक अर्थ है जो शहर को तोड़ता हो, किले को तोड़ता हो, एक ये वेरिएशन भी है उसका पुर। अब ये जैसे जबलपुर, नरसिंहपुर, ये पुर लगाते चले जाते हैं, तो पूरी यानी शहर, बस्ती, आबादी। इंद्र को अगर बस्ती की बसावट अच्छी नहीं है तो उसको तोड़ने में मजा आता है, उसको तोड़ जाता है। इंद्र किस चीज से तोड़ता है? उसके पास वो जेसीबी मशीन नहीं है कि उसको लेकर आएगा और उसको गिराएगा, उसके पास पानी है, वो पानी बरसाता है और शहर को डुबो के चला जाता है। तो ये बहुत समय से हमारी आदतें ऐसी रही होंगी जिसमें हमने अच्छे शहरों को बिगाड़ा होगा और फिर पुरंदर जैसा विशेषण निकल के आया होगा। तो ये आज नई कोई गलती हम कर रहे हों ऐसा नहीं, पर शायद बड़े स्केल पर कर रहे हैं अब ऐसा लगता है। तो ये मोटी मोटी कुछ चीजें हैं। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो हमारे अध्यक्ष और अच्छे से रख सकते हैं, आंकड़ों के साथ रख सकते हैं।
भवन भाई भी उसको और बेहतर ढंग से रख सकते हैं, लेकिन इस धरती पर कुछ करोड़ साल पहले पानी के जितने घड़े भरे गए होंगे उनमें एक घड़ा नया नहीं जुड़ सकता, उतना ही पानी है जितना प्रकृति ने हमको दिया है, ये प्लस माइनस नहीं होने वाला। कुल जितना पानी है उपलब्ध प्रकृति की तरफ से, हमारी आबादी बढ़ेगी या घटेगी इससे उसको कोई मतलब नहीं है, हमारी आदतें बदलेंगी या सुधरेंगी इससे उसको कोई मतलब नहीं है, हम उस पानी को साफ रखेंगे या बिगाड़ेंगे इससे उसको कोई मतलब नहीं है। पानी की मात्रा तय है इस धरती पर, अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसका कितना इस्तेमाल करेंगे, उसको कितने बड़े शहरों को देंगे तो आप गांव का पानी छीन रहे होंगे, आप उद्योग को देंगे तो आप खेती का पानी छीन रहे होंगे, आप खेती को देंगे तो आप उद्योग का पानी छीन रहे होंगे, या केवल गांव को देंगे तो आप शहर का पानी छीन रहे होंगे। अब आपको तय कर लेना है कि इसका बंटवारा कैसा करना है। बंटवारे के लिए आपके पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, पाइपलाइनें हैं, बहुत सारे पंप हैं, शायद बहुत सारी बिजली भी निकालने के लिए, तो नीचे का पानी भी एक सीमा तक है, उसको आप रोज हर बरसात में रिचार्ज करेंगे तो निकाल सकेंगे, नहीं तो फिरोजाबाद बनने में कोई देर नहीं लगेगी। पानी फिरोजाबाद में हर साल गिरता है, पर अब हम उसको रोक के नीचे डालना बंद कर चुके हैं, इसलिए वो चिंगुली। ऐसे एक के बाद एक हमारे शहरों की सूची जुड़ती जा सकती है। तो मोटे तौर पर हर चीज का उत्पादन हो सकता है इस उद्योग के युग में, लेकिन पानी का उत्पादन नहीं हो सकता। पानी का फार्मूला जरूर है जो हम लोग चौथी पांचवी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो सबको याद हो कि उसमें कौन सी गैस कितनी है, कम है, ज्यादा है, एक है कि दो है, वगैरह वगैरह, लेकिन आपने कहीं पानी बनते नहीं देखा। पानी पैक होने वाली बहुत सारी कारखाने हैं, उसमें रंगीन भी है कोका कोला और पेप्सी के रूप में और बिस्लेरी के रूप में सफेद पानी भी है, लेकिन पानी कोई बनाता हो ऐसा टाटा बिरला भी आपके सामने कोई नहीं है और ना कभी आने वाला है। तो कुल पानी जितना है उसको हम कितनी सावधानी से इस्तेमाल करते हैं, कितनी सावधानी से फेंकते हैं और कितनी सावधानी से उससे हम अपने खाने के लायक चीजें बनाते हैं, अपने पहनने के लायक चीजें बनाते हैं, अपने शान शौकत की चीजें बनाते हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। उन चीजों की साफ सफाई कितने पानी से करते हैं, चंडीगढ़ के बारे में पता चलता है कि पीने का पानी कम इस्तेमाल होता है, वही पानी पीने से ज्यादा कार की धुलाई में लगता है, एक शहर का आंकड़ा ऐसा है। ये शर्मनाक है कि पीने का पानी हम कार धोने में ज्यादा लगा रहे हैं, तो कार की सफाई तो रखनी पड़ेगी, जो कार रखेगा उसको अपन मना नहीं कर सकते करके आप कार मत धोइए, लेकिन कैसे धोएंगे, किस पानी से धोएंगे, पीने वाले पानी से धोएंगे, तो ये सब चीजों को हम लोगों को एक बार आज की तारीख में देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैंने कहा कि नदी मंत्रालय की खबर आई है, कोई गंगा को माँ मानेगा, कोई मौसी मानेगा, वो सब अच्छे हैं, सब सबका स्वागत है, लेकिन गंगा को नदी मानोगे कि नहीं मानोगे? अभी पिछली सरकार ने जाते जाते शायद 6-8 महीने पहले या 1 साल पहले गंगा को कोई राष्ट्रीय दर्जा दिया, क्या क्या था वो टेक्निकल, अच्छा कुछ नहीं थी अग्रवाल जी, सब सब बहुत, क्योंकि अपन लोगों को लगता है कि एक बार जाके प्रधानमंत्री से मिलने वो कोई भी हो अच्छा है, हम तो कह रहे हैं जरूर दो, लेकिन अब नई सरकार आ रही है वो कोई और राष्ट्रीय दर्जा देने वाली, लेकिन हम नदी अंतरराष्ट्रीय दर्जा देंगे गंगा को, है ना, लेकिन हम नदी को नदी का दर्जा देने से बचना चाहते हैं, उसमें से हम सब पानी निकाल लेना चाहते हैं अपने शहर के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने उद्योग के लिए, नदी के लिए पानी नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर नदी का तरीका कुछ और है, वो जरूर अपना हक वापस लेती है, लेकिन उसके कैलेंडर में और हमारे कैलेंडर में बहुत फर्क है, हम तो 12 महीने में 1 साल बिता देते हैं, वो शायद गंगा नर्मदा इनकी उम्र का भी हमको ठीक ठीक पता नहीं,
ये दोनों विद्वान जो बगल में बैठे हैं हमारी सब ऐसी कमियों पे छाता ढकने का काम करेंगे। ये बताएंगे कि ये कुछ करोड़ साल की नदियां हैं। एक लाइन खींचिए करोड़ साल की और उसमें 2000 का जो हमारा कुल कैलेंडर है अभी तक का अंग्रेजी, उसमें विक्रम संवत में और कितना बढ़ जाएगा, 50-54 और कोई हिजरी होगा तो दो कम होगा, दो ज्यादा होगा, 3000 साल से ज्यादा हमारा कैलेंडर कोई भी नहीं है दीवार पे टका। उसमें 1 करोड़ साल की नदी के साथ हमारा बर्ताव बदतमीजी से बदतमीजी का हो तो भी वो याद नहीं रखने वाली, वो 1 सेकंड में इसको भूल जाएगी। उसके लिए ये एक क्षण भी नहीं है जो हमारा कुल व्यवहार है, वो किसी भी दिन इसको मिटा के चली जाएगी। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अल्मोड़ा से हमारे मित्र आए हैं, शमशेर भाई और भी पहाड़ों से मित्र हैं, मसूरी से तो पवन भाई हैं। कितना पानी ऊपर गिरता है इन शहरों के और उसको नीचे जाने में कितनी देर लगती है? अल्मोड़ा से कहाँ है आपने, नीचे कोसी है ना, कोसी कितनी देर में पहुंच जाता होगा पानी? 10-15 मिनट में पानी नीचे पहुंच जाता है। हम उसको ऊपर रोकने की कोई जल दर्शन, जल नीति कोई भी चीज नहीं जानते, या जानते होंगे तो अपनाते नहीं। हम क्या जानते हैं कि जो पानी नीचे गिर गया उसको बिजली के जरिए फिर से ऊपर उठाओ। ये विकास है कि बेवकूफी है, ये हमें समझना पड़ेगा। पानी चाहिए अल्मोड़ा को, मसूरी को, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, जरूर मिलना चाहिए, शिमला को मिलना चाहिए, लेकिन ये 3 या 5 शहर नहीं है, हजारों गांव हैं, लाखों गांव हैं हिमालय में। उनका पानी कितने पाइप लगा के दोगे आप? मसूरी और इसको दे दोगे, अल्मोड़ा को दे दोगे, बाकी का क्या करोगे? तो आपको अपना तरीका सोचना पड़ेगा कि हम इतने दिनों से खुद अपने हाथ से एक बहुत ही अच्छी कुल्हाड़ी की धार चमका रहे हैं और अपना पैर काटने की तैयारी कर रहे हैं खुशी खुशी। ऐसी हर तैयारी का वीडियो बन रहा है, जैसे अभी इस भाषण का बन रहा है, और हम उसको विकास कह रहे हैं। वही सब हमारे चित्रों में मिलता है, वही सब हमारे घोषणा पत्रों में मिलता है कि हम हर शहर को पानी दे देंगे, 100 नए शहर बना देंगे, और अगले घोषणा पत्रों में ये भी आ गया है। उनको पानी कहाँ से लाएंगे इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बाद मुझे नहीं लगता कि हमको कोई जल दर्शन या जल नीति की जरूरत है। ये जो दिल्ली में द्वारका वाला प्रश्न हो रहा है, इसमें आप बार बार देखेंगे कि जल बोर्ड अपने को असहाय घोषित करके कह रहा है कि उसको हरियाणा सरकार से वो रॉ मटेरियल या कच्चा पानी नहीं मिल रहा जिसको वो कौन सी कैनाल है, मुनक कैनाल से लाकर वो कौन से प्लांट में डाल के साफ करके दे देगा। कम से कम आज की तारीख तक, कल का मुझे नहीं मालूम, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है या नहीं है, आप लोग हाथ उठा के बताइए। दिल्ली में, केंद्र में कल क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन दिल्ली में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। और अभी कुछ ही क्षण पहले तक दिल्ली में राज्य की सरकार भी कांग्रेस थी, लेकिन हम पानी मुनक कैनाल से नहीं पा सके। अब इस चित्र को बदल के देखिए कि कल हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ जाए, आपकी सरकार आ जाए, या दिल्ली में तो आपकी सरकार 39 दिन 49 दिन रही, और केंद्र में बीजेपी की आ जाए जैसे पोल बता रहे हैं। अब ये क्या, ये फिर पानी का बंटवारा हो पाएगा अगर 3 सरकारें कांग्रेस की नहीं बची? कांग्रेस की सरकारें रहते हुए पानी नहीं मिला। पानी बहुत कीमती चीज है, उसकी एक एक बूंद के लिए लोग वैसा महाभारत करेंगे जैसे 1 इंच जमीन देने के लिए महाभारत में 2 भाई लड़े। 2 अपोजिशन के लोग नहीं थे, 2 पार्टियां अलग अलग नहीं थी, दोनों एक खानदान थे। तो ये चीजें हम लोगों को देखनी होंगी। मैंने 15-20 मिनट अपने हिस्से के जरूर लिए हैं। 1-2 और छोटी मोटी चीजें कहकर मैं कुछ आपके सामने चित्र दिखाऊंगा। अल नीनो की बात होती है, हम लोग ये नाम खूब समझते भी हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, ज्यादा ना भी समझें, कुल मिला के इसको कितना भी समझ लो, ये ना समझ में आने वाला विषय है, हमसे बाहर का है। पैसिफिक कहां पर है? यहां से कितने 1000 किलोमीटर होगा?
लेकिन ऐसा लगता है कि अलनीनो आ रहा है, लोग तो कहते हैं मोदी आ रहा है, अलनीनो आ रहा है। कितने हजार किलोमीटर बताए कितना है पैसे पे क्या दूरी होगा गूगल देख हमारे यहाँ 8-9 हजार किलोमीटर की दूरी। वहां समुद्र कैसा तपा है उससे पूरे दुनिया का या पैसिफिक के पास के देशों का जो होना होगा होगा, हमारे खेतों का क्या होगा, हमारे शहरों का क्या होगा, हमारे नल में पानी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बड़ा विचित्र संसार है, इसको समझना, इसके आगे नतमस्तक होना एक बड़ा कारण है। जैसा वो पहला चित्र आपने देखा और अभी फिर देखेंगे, ऐसा इसमें से बारीक रास्ता निकालना आना पड़ेगा, तब हम शायद कुछ इसमें से कर पाए। और ये दोनों हमारे मित्र और अच्छी बात आपको बताएंगे कि अलनीनो भी जो शब्द पड़ा ये विज्ञान का शब्द नहीं है, इसका अर्थ भी हमको नहीं पता। इसका शुद्ध हिंदी अनुवाद करें तो ये है भगवान का नटखट बच्चा, ये तो अर्थ हुआ ना। साइंस की कोई टर्म नहीं है अलनीनो, भगवान का नटखट बच्चा का क्या मतलब? एक तो बच्चे का स्वभाव ही थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो अलनीनो यानी इस टेंडेंसी का प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता संसार में किसी भी सैटेलाइट के जरिए। किसी भी मौसम के सबसे अच्छे यंत्रों से अलनीनो का हम पता नहीं लगा पाते, जब वो आ जाता है तब पता चलता है। दूसरा, उसका हम मिटिगेशन नहीं कर सकते, उसको हम सुधार नहीं सकते कि ठीक है अलनीनो आएगा तो हम रोक लेंगे, ऐसा नहीं रोकता हो। कोई नेता आएगा या नहीं आएगा उसको रोकने या नहीं रोकने के लिए आपकी कर्मण्यता या अकर्मण्यता जिम्मेदार हो सकती है। क्या आपने तैयारी नहीं की थी इसलिए आ गया, या आपने तैयारी की थी तो रोक ली, तैयारी की थी तो इमरजेंसी हटा दी। एलनीनो के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसको आना है तो वो आएगा। अनप्रेडिक्टेबल बच्चे का स्वभाव, आपने गोद में उठाया उसने मुंह दिया, अब आप झाड़ते फिर रहो, कपड़े धोते फिर रहो, यही सब करना पड़ता है। तो अलनीनो का हिंदी अनुवाद नटखट बच्चे के अलावा अगर बहुत ही घरेलू नाम ढूंढना है तो बाल गोपाल का ही हो। वो ताड़का को भी मार सकता है किसी को भी, और वो अच्छे लोगों को भी मार सकता है। कृष्ण भगवान या बाल गोपाल का तो ये था कि वो बुरे लोगों को मारता था, अलनीनो का तो स्वभाव अच्छे लोगों को भी मारने का हो सकता है। तो ये सारी चीजों के बीच में से हम लोग प्रभात से कहेंगे कि उसको ऑन करें। और इस समाज ने कैसी पगडंडियां खोजी हैं, हमारे ही अपने समाज ने, पर हम उस समाज को थोड़ी हिकारत की निगाह से देखने लगे हैं, उसमें हम बहुत सारी चीजें खोजने लगे, उसकी बहुत सारी गलतियां खोजने लगे हैं, उसकी कुछ अच्छाई देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये चित्र के बारे में तो आपको शुरू में बताया गया, अभी दूसरा चित्र बदलेंगे। ये पीछे फिर एक विशाल रेगिस्तान है, इसके नीचे सब विद्वान लोग बताएंगे कि लगभग खारा पानी है, जो किसी भी टेक्नोलॉजी से मीठा नहीं बनाया जा सकता। अपने एक राष्ट्रपति विज्ञान से आए, उससे पहले के राष्ट्रपति तो समाज वगैरह से आते थे या शिक्षा वगैरह से आते थे, वो भी समाज का हिस्सा है, लेकिन ये विज्ञान से आए। और हमारे यहाँ ये विज्ञान शिक्षा समाज सब अलग अलग विभाग हैं, लेकिन यहाँ का समाज उसको एक रेत में बदल देता है। रेत का एक कण अगर आप इस पीछे जो रेत का विशाल आपको समुद्र दिख रहा है इसमें से एक कण उठाएंगे तो उस कण में विज्ञान भी होना चाहिए, समाज भी होना चाहिए, तकनीक भी होना चाहिए, दर्शन भी होना चाहिए, नीति भी होना चाहिए। सब चीजें अगर उस एक कण में नहीं है तो आप इसमें पानी खोजने का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। तो ये जो महिला एक घड़ा पानी ले जा रही है ये बिल्कुल मीठा पानी है पीने लायक, और इसको उसने कैसे जुटाया होगा वो हम इन रेत के कणों में से थोड़ी सी देर में देखेंगे। बदले जो विजय जी ने आदेश दिया कि कुछ जल दर्शन पर तुम्हें चर्चा करनी, तो मुझे ये चित्र बड़ा अच्छा लगा। हम अपने शहर में किसी भी नदी तालाब, और मैं तो सोचता हूँ कि जल बोर्ड के पानी में भी ऐसी नीलिमा इतना साफ पन नहीं देख सकते। ये ऊपर कचरा नहीं पड़ा है, ये कुमुदनी नाम का एक पौधा है जो उन्होंने कब खोजा होगा, उससे इसको ढक के रखते हैं इस बावरी को,
और उसमें जो दो सीढ़ियों में से आपको पानी की झलक दिख रही है वो बिल्कुल साफ पानी है पीने लायक। बदले जैसलमेर रामगढ़, हमारे यहाँ एक शब्द चलता है बाइलॉज, पानी को लेके बाइलॉज बने, सख्ती से लागू हो, सरकार सख्त वाली आ जाए तो झुलमुल सरकार नहीं चाहिए, ये सब भी रहता है, तो उसमें से बाइलॉज बनेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग होगी वगैरह वगैरह। ये अलिखित बाइलॉ का चित्र है। रामगढ़ के दो घर, दो दरवाजे दिख रहे हैं, उनके आगे दो चबूतरे हैं रंगोली से रंगे पोते, इनमें छतों का पानी और आंगन का पानी वर्षा का भर लिया जाता है। ये परंपरा वहां हजार साल से चल रही है कि 1200 साल से कि 15, ऐसे कोई तराजू पे तोली नहीं जा सकती। जब से लोगों को पानी की जरूरत पड़ी होगी तब से उन्होंने ये इंतजाम करके रखा है। और अंग्रेजी में हमारे अपने जीवन में दिल्ली में वाटर हार्वेस्टिंग शब्द आए हुए अभी कुछ ही साल हुए होंगे, लेकिन उनके यहाँ ये कई सालों से है। हमारे बायलॉज में अब कहा जा रहा है दिल्ली बम्बई, अब तो कलकत्ता वगैरह में भी लागू हो रहा है कि पानी रोकिए, आप वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। वो भी कितना सही है कितना गलत है मालूम नहीं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे कि हर चीज का कोई हल फोटोकॉपी की तरह नहीं कर सकते आप। लेकिन यहाँ पर ये जो दो चबूतरे जिस टेबल पर हम बैठे, इतने ऊंचे दो दरवाजे के सामने दिख रहे हैं, ये वास्तव में 12-15 फुट नीचे जाते हैं और इनमें एक एक घर की साल भर की जरूरत लायक पानी बरसात के जो 10-12 दिन है उन्हीं में इकट्ठा हो जाता है और वो 365 दिन चलाने की उनको जीवन शैली अपनाने के लिए उन्होंने समझदारी दिखाई है। इस पानी को वो बर्बाद नहीं करते, एक बूंद का इस्तेमाल करते हैं और सब घरों में औसत 30-40 हजार लीटर पानी रोकने की तैयारी दिखाते हैं। यहाँ हमारे देश का सबसे कम पानी गिरता है, दिल्ली फिरोजाबाद जितनी चीजों की हम लोगों ने शुरू में बात की उससे कई 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 हिस्सा कम पानी इसका बजट है प्रकृति की तरफ से दिया हुआ। और इसमें कहीं दूर से कोई पाइपलाइन नहीं आने वाली ऐसे गाँव में जो हमको दिल्ली अल्मोड़ा मसूरी जो अपन ने पहले बात की उन सबको दूर का पानी मिल सकता है, इनको कहीं का पानी नहीं मिलने वाला। इन्होंने अपने पानी का इंतजाम इतने रंग बिरंगे ढंग से उत्सव की तरह किया है, कोई फिलॉसफी की तरह नहीं किया, कोई नीति की तरह नहीं किया, अपने जीवन के एक हिस्से की तरह किया। जी बदले, बादल यहाँ पर बहुत कम आते हैं, कुछ हिस्से तो 2 सेंटीमीटर पानी के हैं इस इलाके में, 2 सेंटीमीटर यानी 20 मिलीमीटर पानी गिरता है। नो फ्लो जोन कहलाता है रेगिस्तान का ये, जिसमें पानी बरसने के बाद बहता हुआ नहीं दिख सकता। आप चित्र खींचना चाहें कि पानी बह के 15 फुट गया, ऐसी गुंजाइश नहीं, इतनी गर्म रेत में पट्ट से जाके वो नीचे सूख जाएगा। लेकिन इनकी बोली में, इनकी भाषा में बादलों के 40 नाम मिलते हैं। जहाँ बादल सबसे कम आते हो वहाँ बादलों को इतना प्यार करने वाला समाज, और ये नाम कोई प्रोफेसरों ने रखे हो ऐसा नहीं है, ये तो वहाँ के ग्वाले चरवाहे हलवाहे साधारण गृहस्थ किराने का दुकान चलाने वाला इन सब समाज ने मिलकर उनको रखा होगा और तब ये कहीं हजार साल की परंपरा बनते हैं। बदले, एक से एक सुंदर तालाब बनाए, राजा ने बनाए, रानी ने बनाए और दासी ने भी बनाए, मतलब जो कोई प्रोफेशन हो सकता है। सिद्धांत एक है कि गिरने वाले पानी की एक एक बूंद को कीमती मानो और उसको रेगिस्तान में इकट्ठा करो, छोटा तालाब बनाओ बड़ा बनाओ जो तुम्हारी हैसियत हो, लेकिन सुंदर ढंग से बनाना, काले प्लास्टिक के टैंक जैसा मत बनाना जो हम सब के घरों में आ गया है। बदले, खुला तालाब और उसमें खुला दरवाजा, उतरने के लिए भी एक सुंदर दरवाजा चाहिए, नहीं तो सीढ़ी से सीधे उतर के मिट्टी में कीचड़ में चले जाओ। लेकिन जिसके पास क्षमता है, 2 पैसा खर्च करने हैं, चंदा मांगने की क्षमता है, तो एक सुंदर तालाब बनाओ और उसमें नीचे उतरने का एक सुंदर दरवाजा बनाओ। हर जगह समाज ने अपनी अपनी हैसियत से अच्छे काम करके दिखाए। बदले,